आज हम बहुत ही खास्ता और बहुत ही मस्त ये दाल पूड़ी का रेसिपी लेके आए हैं। इसे बनाना बहुत आसान है, कोई भी बिना आसानी से बना सकते हैं, तो ज़रूर बनाइएगा। अगर मेरे वीडियो चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारा आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। देखिए कितना मस्त बना है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट है, मुँह में घुल जाने वाले रेसिपी, बहुत ही मस्त बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए देखिए, ये हम चना दाल को बढ़िया से उबाल लिए हैं, उबाल कर एक छन्नी में हम छान के रख दिए हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया से ये सॉफ्ट है, इसे हम देखिए पीस लिए हैं मिक्सी जार में। ये देखिए इस तरह से हमें पीस लेना है। उसके बाद हम चलते हैं कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, तो कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है, तो उसमें हम तेल डाल दिए हैं। तेल में जीरा थोड़ी सा डाल दिए हैं, इसे चटकने देंगे। देखिए डाल दिए हैं जीरा, हमारा बढ़िया से चटक जाएगा। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, देखिए एक चौथाई के करीब हमने हल्दी पाउडर डाल दिए है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिए हैं। आप अपने अनुसार कोई भी मसाले डाल सकते हैं, हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब देखिए इसे हम ज़्यादा भूंजेंगे नहीं, वरना ये पाउडर जल जाएगा। इसमें हम चना दाल जो हम पीस के रखे थे ना, उसे हम डाल दिए हैं, और स्वाद के अनुसार हमें नमक डाल देना है। तो हमने ये नमक डाल दिए हैं, नमक थोड़ा अपने हिसाब से डालिए, क्योंकि हमें आटा भी डालना है। तो हमारा ये दाल भून गया है, तो इसे हम निकाल लिए हैं। अब चलते हैं आटा लगाने में। देखिए आटा हमने ले लिए हैं, ये देखिए इसे ये आटा है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी नमक, और थोड़ी सी हम डालेंगे अजवाइन। तो अजवाइन को हम थोड़े से हथेलियों पर इस तरह से प्रेस कर लेंगे, इससे हमारा टेस्ट अच्छा आता है। इसे डाल दिए हैं, अब इसे हम बढ़िया से मिला लेंगे, सारे में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये मिक्स हो गया, तो इसमें थोड़ी सी हम रिफाइन ऑयल डाल देंगे, इससे हमारा पूड़ियाँ सॉफ्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी लगता है। अब देखिए ये मिला लिए हैं, तो अब इसमें हम थोड़े थोड़े पानी करके इसमें हम डाल के आटा गूँथ लेंगे बढ़िया से, जैसे हम रोटी के गूँथते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम हमें आटा लगाना है। टाइट आटा में पूरी टाइट होता है, सॉफ्ट रहेगा तो हमारा पूड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट अच्छा बनेगा, मुंह में घुल जाने वाले। तो देखिए हमारा आटा बनकर ये गूँथ गया है बढ़िया से। तो देखिए इसी तरह से गूँथिए और बनाइए, बहुत मस्त बनता है ये। हम लोग की तरफ ऐसे ही बनता है, आप कैसे बनाते हैं ये कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब देखिए हो गया, तो इसे हम इसे थोड़ी देर के लिए हमने ढक कर छोड़ दिए थे। अब देखिए हमारा सारा चीज़ फाइनल हो गया है, तो हम अब चलते हैं पूड़ियाँ भर लेने। देखिए इस तरह से हमें पेड़े को काट कर इसे इस तरह से कटोरी का शेप दे देना है। अब इसमें बहुत बढ़िया से हमें दाल को भर लेना है, ये देखिए इस तरह से हमें दबाते हुए बढ़िया से भर लिए हैं। अब इसे राउंड राउंड करके हमें इसे फिर से गोला कर दे देना है। अभी देखिए बेलकर दिखाते हैं इसे हम पूड़ियाँ के, तो देखिए हम ग्रेनाइट पर बेलते हैं, तो इसे हम बढ़िया से साफ कर लिए हैं। अब इसे देखिए इस तरह से हम बेलेंगे, ये बिल्कुल नहीं फटेगा, इसे जितना भी दबा के बेलिए एकदम सॉफ्ट बढ़िया से बेल जाएगा। देखिए कितना मस्त बना है। तो ये देखिए हमने तवा चढ़ा दिए हैं, ये गर्म हो गया है, तो इसमें हम डाल दिए हैं, बस इसे हमें आधा पकाना है, बढ़िया से पूरी तरह से नहीं पकाना है। इस तरह से देखिए हम निकाल लिए हैं, बस ऐसे ही हमें सारे पूड़ियों को पका कर निकाल लेना है। देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारा पूड़ियाँ इस तरह से बना लिए हैं। अब कढ़ाई चढ़ा दिए थे, पहले से हमारा कढ़ाई चढ़ा हुआ था और तेल डालकर छोड़ दिए थे। अब देखिए कितना मस्त हमारा पूड़ियाँ फूल रहा है, इस तरह से सिझा के हमें निकाल लिए हैं। अब बाकी हम इसे बढ़िया से अब तल लेंगे। देखिए कितना मस्त बना है, देख कर ही आ रहा है ना मुँह में पानी, बहुत मस्त बनता है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत अच्छा लगता है। अब इसी तरह से हमें सारे पूड़ियाँ को तल लेना है, ये बनाने में बहुत आसानी है, खाने में बहुत मस्त लगता है। और हाँ, हमें हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर से कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो देखिए कितना मस्त बन रहा है, बहुत ही क्रंची बनता है,
एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये रेसिपी कैसा लगा है, कैसा बना है। तो देखिए हमारा सारे पूड़ियाँ तलकर हो गया है तैयार। अब चलिए सर्व करते हैं। तो देखिए हमारा ये पूड़ी है, सेवई सब्जी है। तो ये देखिए हम सर्व कर लिए हैं। और हम देखिए हमारा ये रेसिपी कैसा लगा है फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा आप कैसे बनाते हैं दाल पूड़ी, ये भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मतलब कमेंट्स में बताइएगा कि आप ऐसे ही बनाते हैं या अलग तरीके से बनाते हैं। तो देखिए आप बनाइए, इंजॉय कीजिए और वीडियो के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। और इसी तरह आप वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।